यूपी एलटी ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स के लिए घूर्णन द्वारा बने ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करने के समाकलन का अनुप्रयोग। ये जो पोर्शन है ये केवल यूपी एलटी ग्रेड टीचर के सिलेबस में है, बाकी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। और तो इस वाले पोर्शन से जो यूपी एलटी ग्रेड टीचर्स में देखो पहली बार एग्जाम हो रहा है, जो पॉसिबिलिटीज़ है जैसे भी क्वेश्चन होंगे इसमें जो ठीक ठाक क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे। बाकी टीजीटी या पीजीटी में एरिया बाउंडेड कर्व्स होता है, ठीक है, तो वो हम पहले भी करा चुके हैं, वो इसमें भी है। ये वाला पोर्शन उनमें नज़र नहीं आता, बाकी क्वेश्चन कोई आता नहीं है। अगर सिलेबस में अगर होता भी तो क्वेश्चन उसमें नहीं आया करता है। तो यहाँ पे जो पोर्शन है उसके लिए हम फॉर्मूला या क्वेश्चन स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखिएगा, घूर्णन या परिक्रमण, आयतन एवं वक्रपृष्ठ, ठीक है, क्षेत्रफल को वक्रपृष्ठ कहते हैं एंड आयतन का वॉल्यूम है, ठीक है, पृष्ठ या वॉल्यूम एवं सरफेस। तो इसका जो फॉर्मूला है एक्स एक्स के थ्रू एस इक्वल टू सरफेस का फॉर्मूला है, सरफेस या को डिनोट करते हैं एस से, ये होगा ए टू बी कोई लिमिट पॉइंट जो भी है ए टू बी टू पाई बाई टी एस, ये होता है एक्स एक्स के थ्रू ए टू बी टू पाई बाई डी एस की जो वैल्यू होता है वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये है एक्स एक्स पर। दूसरा होता है बाई एक्सेस पर, बाई एक्स पर सरफेस का फॉर्मूला एस इक्वल टू लिमिट पॉइंट ए टू बी टू पाई बाई एक्स एंड डी एस। तो यहाँ पे जो डी एस का फॉर्मूला बनेगा वो होता है वन प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। ये तो था हमारा सरफेस के फॉर्मूले, सरफेस के दो फॉर्मूले, एक एक्स एक्स के थ्रू है, दूसरा वाई एक्स के थ्रू है। अब बात आती है कि एरिया के जो फॉर्मूले हैं, एरिया यानी कि एरिया नहीं है, आयतन है, वॉल्यूम के फॉर्मूले। तो आयतन एक्स एक्स के परिते आयतन, परिते परिक्रमण करने पर या घूर्णन करने पर आयतन, ठीक है। तो वॉल्यूम होगा इंटू ए टू बी पाई वाई स्क्वायर टी एक्स एंड वाई एक्स के सापेक्ष वाई एक्स पर घूर्णन पर आयतन ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी वाई, वाई एक्स पर आयतन ये हुआ करता है। एक पॉइंट है डी एस बाई डी एक्स की जो क्वांटिटीज होती है वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, अगर इसकी अलग से ज़रूरत पड़ जाए तो इतना हुआ करता है। चूँकि डी वाई बाई डी एक्स होता है टेन साई, कहीं पूछ लेता है डी वाई बाई डी एक्स होता है टेन साई, दैन डी एस बाई डी एक्स हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर साई का होल ऑफ स्क्वायर, तो सेक्स साई हो जाएगा, ये आ जाएगा सोल्व होके सेक्स साई, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं अब इस पे क्वेश्चन स्टार्टिंग कर रहे हैं, मतलब कैसे बनाए जाते हैं आयतन या किस तरह से इसके फॉर्म बनते हैं। तो पहले तो फॉर्मूला बनाना बताते हैं, उसके बाद उस पर डिपेंड क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, फर्स्ट फॉर्मूला है बेलन के लिए यानी कि सिलेंडर के लिए वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सिलेंडर। ये कोई एक्सेस है एक्स एक्सेस है या वाई एक्सेस है ज़ीरो, और ये जो पोर्शन है हमारा ये कोई सिलेंडर है इस तरह से सपोज रखा हुआ है, ये है सिलेंडर ए बी, ए बी सी डी कोई सिलेंडर है, ये पॉइंट सी ये पॉइंट डी। सपोज यहाँ से जो डिस्टेंस है वो ए है और ओरिजिन है ज़ीरो ज़ीरो और इसकी हाइट है एच, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए प्लस एच कोमा ज़ीरो हो जाएगा एंड ये कोऑर्डिनेट होगा ए कोमा ज़ीरो, ठीक है, ये ए कोमा ज़ीरो हो गया। बाई इक्वल टू होगा आर, जो वाई एक्स की जो डिस्टेंस है यानी कि यहाँ पे इसको हमने मान लिया आर, यानी कि वाई इक्वल टू हो जाएगा आर, ठीक है। तो पहले लेते हैं इसका आयतन,
पैनल के लेते हैं आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम, ये एक्स एक्स पे पड़ा हुआ है तो एक्स एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा। लिमिट ए टू बी, ए ये है वी, ये लिमिट पी ए हो जाएगा, ए टू ए प्लस एच होगा, लिमिट होगा ए टू ए प्लस एच पाई बाई स्क्वायर डी एक्स। तो वॉल्यूम होगा ए टू ए प्लस एच पाई, बाई की जो क्वांटिटी है वो आर है, ये डिस्टेंस आर माने हैं तो आर हो जाएगा डी एक्स। अब क्या करना है, इसका कर देना है हमको इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करके लिमिट ड्रा कर देते हैं। लिमिट ड्रा करने के बाद वॉल्यूम आ जाना चाहिए इसका, सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ करता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाहर निकाला, ए टू ए प्लस एच यहाँ पे वन डी एक्स, तो यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा ए टू ए प्लस एच। इसमें लिमिट ड्रा कर देंगे तो वी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ए प्लस एच माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, डायरेक्ट याद करते आए हैं ठीक है, परंतु इस वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला डायरेक्ट मतलब प्रूफिंग होता है इसमें, और क्वेश्चन भी उसी तरह से किए जाते हैं ठीक है। अब आता है इसका वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ यानी कि सरफेस ठीक है, तो एस इक्वल टू होगा, एस का जो फॉर्मूला हुआ करता है एस इक्वल टू ए टू वी, ए टू ए प्लस एच हो जाएगा लिमिट टू पाई बाई डी एस, डी एस यहाँ पे होता है वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर ठीक है। चूँकि वाई इक्वल टू आर हम लिए हैं, वाई इक्वल टू लिए आर, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा जीरो, डी वाई बाई डी एक्स होगा हमारे पास जीरो। देन सरफेस, सरफेस एस इक्वल टू, एस इक्वल टू लिमिट है ए टू ए प्लस एच टू पाई बाई वाई इक्वल टू आर वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स यानी कि जीरो है, तो एस इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू ए प्लस एच टू पाई आर इंटू वन डी एक्स। टू पाई आर कॉमन निकालेंगे, टू पाई आर ए टू ए प्लस एच इंटू वन डी एक्स, वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस एक्स हो जाएगा, एंड लिमिट ड्रा कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ हो जाएगा टू पाई आर ए प्लस एच माइनस ए कैंसिल हुआ यानी कि टू पाई आर एच। एस इक्वल टू हो गया, एस इक्वल टू हो गया टू पाई आर एच ठीक है। तो ये आ गया इसकी सरफेस। अब लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आ गया, देखिएगा यहाँ पे ये खुला है सिलेंडर अगर, तो यहाँ पे जो एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर होगा, और ये भी पाई आर स्क्वायर होगा ठीक है। अंदर अंदर का जो है वो हम निकाल चुके हैं, यहाँ का वो आया है टू पाई आर एच। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात आई, ये तो सरफेस एरिया था केवल, और टोटल सरफेस एरिया अगर लेते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच है पहले एंड प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन लेंगे, ये होगा h प्लस आर, 2 पाई आर एंड h प्लस आर। तो ये सिलेंडर के दोनों फॉर्मूले हो गए हैं, एक तो वॉल्यूम का हो गया है एंड दूसरा इसका सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया। अब दूसरा है हमारे पास सिलेंडर हो चुका है एंड कोन, कोन यानी कि शंकु ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्म बना करती है कोन के लिए, कोन यानी कि शंकु, तो उसके लिए भैया यहाँ पे जो फिगर बनता है वो फिगर शंकु आकार फॉर्म में हुआ करता है ठीक है, शंकु की फॉर्म में होता है एंड उस पर कुछ ना कुछ एंगल मानना पड़ेगा। वाई के टर्म में एक इक्वेशन लेनी पड़ेगी। देखिएगा ये शंकु है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ से ओरिजिन से एक ये जो पोर्शन है ये कोण बना रहा है ठीक, ये पोर्शन कौन बना रहा है, ये एंगल अल्फा, ये ओरिजिन एंड ये कोई पॉइंट मान लिया ए बी एंड ये पॉइंट सी मान लो, ये इसकी हाइट अगर एच है तो एच कॉमा जीरो हो जाएगा, ये लेंथ वाई मान लेंगे, तो वाई इक्वल टू एच ना मान के उसको क्या मान लो, एक्स मान लो, एक्स टेन अल्फा
नहीं, ये तो ओए का एक क्वेश्चन आएगा। एक्स ये आर अपोनेज, ये आर मानेंगे वाई इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो वाई के टर्म में है वो आर मान लेंगे, ये हमने इसकी हाइट मान ली, ये इसकी रेडियस मान ली, ठीक है। तो वाई एक्स पे जो डिपेंड है लेंथ है वो हो गई आर। ये हमने कोण माना है, कोण की हाइट एच है, रेडियस आर है, और ये एंगल अर्धशीर्ष कोण अल्फा है, यानी सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा। ये तो हो गया इसकी छोटे से पॉइंट। इस लाइन का इक्वेशन हमको लेना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ओए। तो पहले तो निकालेंगे टेन अल्फा, टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ये अपॉन ये, यानी कि ए सी अपॉन ओ सी आर अपॉन एच, टेन अल्फा, टेन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ओए, ओए इक्वेशन ऑफ ओए यानी ओए का समीकरण, वाई इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स हुआ करता है, ठीक है। ओए का समीकरण, इस लाइन का समीकरण, तो वाई इक्वल टू एम इक्वल टू होगा टेन अल्फा इंटू एक्स। टेन अल्फा की जो क्वांटिटीज है वो आर अपॉन एच है, यानी कि हो गया एक्स आर अपॉन एच, वाई आ गया, ठीक है। वाई हमारा आ चुका है, इससे हमको डी वाई बाई डी एक्स और फाइंड कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि उसकी सरफेस में ज़रूरत पड़ने वाला है। डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो हो जाएगा आर अपॉन एच। अब लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि इसको रोटेट अगर कराते हैं, ये ट्रायंगुलर फॉर्म था, रोटेट कराने पे शंकु बन जाता है, यानी कि क्या बन जाता है, कोण बन जाता है। अगर ट्रायंगुलर को रख कर रोटेट करा दिया जाए तो शंकु बन जाता है। लिमिट ए टू बी यानी कि जीरो टू एच हो जाएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा जीरो जीरो, यहाँ एच को होगा जीरो, तो लिमिट ए टू बी, ए हो गया जीरो एंड बी हो गया एच। पाई बाई स्क्वायर, पाई बाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स एक्स के थ्रू लिया है तो पाई बाई स्क्वायर लिया जाएगा, जीरो टू एच पाई, बाई की जो वैल्यू है एक्स आर अपॉन एच है, एक्स आर अपॉन एच का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इंटीग्रेशन जीरो टू एच एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद इसमें लिमिट ड्रा कर देते हैं, बाकी और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है नहीं अब, है ना। हमको एरिया निकलने वाला है, फिर सरफेस का फॉर्मूला लगा देंगे, सरफेस निकल जाएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू हो गया एक्स क्यूब अपॉन थ्री, लिमिट हो गया जीरो टू एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन थ्री एच स्क्वायर, यहाँ पर लिमिट डालेंगे एच क्यूब माइनस जीरो, तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच क्यूब अपॉन थ्री एच स्क्वायर, तो वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम आ चुका है बी, बी इक्वल टू वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हो गया इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला डायरेक्टली अगर याद करते हैं तो यही किया करते हैं, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया था, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें निकाले जाते हैं। तो वो जो शॉर्टकट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो शॉर्टकट क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस हैं वो आ सकते हैं, तो उसको ये इतना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से ही सोल्व कर लेंगे, ठीक है। होगा करके तो दिखाना नहीं है, आंसर क्या है आंसर देना होगा, परंतु जो कटिंग पार्ट वाले क्वेश्चन होंगे वो करके ही सोल्व हो पाएंगे, वही आंसर निकल पाता है, डायरेक्ट नहीं निकल पाता है। तो कटिंग ये तो जनरल सी बात है, वॉल्यूम एंड सरफेस निकल रहा है, इस पर क्वेश्चन होंगे तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आ सकते हैं, पर इसके आगे आएगा कटना, काटना यानी कि छिन्नक वाला पोर्शन आएगा, उसमें हमको वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी पर ध्यान देना है, छिन्नक वाले पोर्शन पर, वो फॉर्मूले, वो डायरेक्ट फॉर्मूला उसका होता नहीं है, इन्हीं से निकल भी पाएगा। तो इसमें तो हो सकता है जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला आया, इसमें आर एच दिया है तो डायरेक्ट वैल्यू ड्रा कर दें, सोल्व आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब बात आती है आयत सरफेस की, एस इक्वल टू लिमिट है हमारा जीरो टू एच, टू पाई बाई, टू पाई बाई डी एस, डी एस है यानी कि वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो एस इक्वल टू लिमिट जीरो टू एच, टू पाई, वाई इक्वल टू है एक्स आर अपॉन एच, एंड वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स है हमारा आर अपॉन एच, आर अपॉन एच का स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा।
जो शंकु चल रहा है, देखिएगा एक बात ध्यान देंगे, शंकु में ये वाला जो पोर्शन ये होता है, ये एच है, ये आर है, इस लेंथ को एल मानते हैं, लेटेंट हाइट मानी जाती है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाला है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, उसको हम एल स्क्वायर रखने वाले हैं। जब तक नहीं रखेंगे तो फॉर्मूला नहीं बन पाता है। तो एस इक्वल टू 0 to h 2π xr/h, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर डी एक्स, इसको रखेंगे हम एल स्क्वायर, यानी कि 0 to h 2π xr/h × l² रखा तो एल स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होगा, यानी एल अपॉन एच हो जाएगा। जो कॉन्स्टेंट क्वान्टिटीज़ है इनको बनाए रखते हैं, ठीक है, पाई आर एल कहीं को बनेगा, तो यहाँ पे है 0 to h 2π r l/h² × x dx, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2, उसमें लिमिट ड्रा कर देंगे। तो s इक्वल टू हो गया 2π rl/h², ये होगा x² / 2, लिमिट है 0 to h। तो एस इक्वल टू हो गया 2π rl/h², यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये 2 नहीं रहेगा, लिमिट h² - 0। तो एस इक्वल टू आ गया πrl/h² × h², ये कैंसिल किया, एस इक्वल टू आ गया πrl, ठीक है, πrl आ चुका है, ये सरफेस एरिया है, आया है। इधर तो सरफेस एरिया है नहीं, यानी ये बीच वाले का जो सरफेस एरिया है वो आया है हमारा पाई आर एल, और एक कोना ये है, इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया अगर लिया जाए, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया अगर लिया जाए तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। सरफेस एरिया आ चुका है, टोटल सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया है पाई आर एल, एंड टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं, एल प्लस आर, यानी कि ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। ये फॉर्मूले डायरेक्ट पढ़ाए जाते हैं 9th वगैरह में, जो मेंसुरेशंस होता है वहाँ पे इसमें डायरेक्ट फॉर्म होती है, पर यहाँ पे प्रूफिंग करने से, मतलब प्रूफिंग करने का मतलब ये नहीं है कि प्रूफ करना पड़ेगा, तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे उसको डायरेक्ट रखेंगे, जो इससे अगली वाली है उसमें यूज होना है, उसमें कट करके करने वाले क्वेश्चन हैं, तो वो वहीं पे क्वेश्चन देंगे भी, डायरेक्ट वाला तो कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देगा। वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ, अब क्या बचा है, सिलेंडर हो गया, कौन हो गया, एंड स्फीयर बचा है, स्फीयर यानी कि गोला, ठीक है। ये हमारा कोई गोला है एक्स एक्स के अकॉर्डिंग, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये ओरिजिन है, सपोज रेडियस ए है, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हुआ करते हैं ए कोस थीटा एंड ए साइन थीटा हुआ करते हैं, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा ए कोस थीटा एंड ए साइन थीटा। यहाँ पे सपोज पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कोस थीटा इंटू ए साइन थीटा, रेडियस ए है या आर मानते हैं तो ए मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, उसी के टर्म में बनेगा। इसको एक्स कहते हैं, इसको वाई, यानी कि x² + y² ए कोस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का ए साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, देन a² cos² θ प्लस का a² sin² θ, तो ये बन जाता है a² यानी x² + y² ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया x² + y² = a² ये होती है इसकी इक्वेशन। अब लिमिट पॉइंट्स जो लिए जाते हैं इसमें, इस पॉइंट का लिमिट पॉइंट होगा a,0 और इसका हो जाएगा माइनस का a,0, तो लिमिट पॉइंट होगा -a to a, यानी कंप्लीट हमको स्फीयर का निकालना है, कंप्लीट स्फीयर का वॉल्यूम एंड सरफेस दोनों ही फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होगा, लिमिट है -a to a हो जाएगा, -a to a है, एंड पाई बाई स्क्वायर dx अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस के थ्रू ले रहे हैं तो पाई बाई स्क्वायर होना है। यहाँ पे डेफिनेट की प्रॉपर्टी लगा कर लिमिट 0 to a ले लेंगे, y² = हो जाएगा a² - x²। अब यहाँ पे कर दिया जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a पाई, इसको अलग अलग कर लेते हैं,
टू पाई कॉमन निकाला एंड जीरो टू ए ए स्क्वायर डी एक्स माइनस जीरो टू ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इनका कर देंगे, केवल हमको इक्वेशन चाहिए था, इक्वेशन हम निकाल चुके हैं। तो वॉल्यूम बी इक्वल टू आ रहा है टू पाई, ये होगा ए स्क्वायर एक्स लिमिट पॉइंट जीरो टू ए माइनस का एक्स क्यू बाई थ्री एंड जीरो टू ए आ गया। वैल्यू इसमें ड्रा करा देंगे, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस जीरो एंड वन पॉइंट थ्री, ये होगा ए क्यू माइनस जीरो, ठीक है। तो टू पाई ये हो गया ए क्यूब माइनस का ए क्यू बाई थ्री, तो टू पाई ए क्यूब वन माइनस का वन पॉइंट थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू होगा टू पाई ए क्यूब एंड एलसीएम लिया थ्री, देन थ्री माइनस का वन, तो टू पाई ए क्यूब इंटू टू अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री यानी कि ये बन गया फोर अपॉन थ्री पाई ए क्यूब। यही तो वॉल्यूम हुआ करता है चार बटे तीन पाई आर क्यू या ए क्यू, ठीक है। ये आ गया है वॉल्यूम, अब निकालना है हमको उसका, वॉल्यूम निकाल चुके हैं, सरफेस फाइंड करना है। सरफेस फाइंड करने के लिए पहले हमको चाहिएगा डी बाई वाई डी एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वहाँ से डी बाई वाई डी एक्स निकाल लेंगे। सरफेस का फॉर्मूला लगाते हैं, इसका टोटल सरफेस होता नहीं है, वही जो सरफेस होता है वही टोटल सरफेस होता है, ठीक है। तो सरफेस इक्वल टू होगा लिमिट पॉइंट माइनस ए टू ए टू पाई बाई डी एस यानी कि वन प्लस का डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी एक्स। चूँकि हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का टू एक्स, कैंसिल हुआ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हुआ माइनस का एक्स अपॉन वाई। इसमें वैल्यू ड्रा कर देंगे तो ये सरफेस यानी कि एस सरफेस एस आ जाएगा, तो एस इक्वल टू हो गया यहाँ पे टू जीरो टू ए एंड टू पाई बाई, ये डेफिनेट की प्रॉपर्टी लगा दिया है अंडर रूट वन प्लस, ये हो जाएगा माइनस का एक्स अपॉन वाई का होल ऑफ स्क्वायर एंड डी एस। तो एस इक्वल टू हो गया फोर पाई लिमिट पॉइंट जीरो टू ए वाई, यह आ गया वन प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स। तो एस इक्वल टू हो गया फोर पाई लिमिट पॉइंट जीरो टू ए बाई, ये अंडर रूट होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स। तो एस इक्वल टू फोर पाई इंटीग्रेशन जीरो टू ए वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर पुट कर देंगे ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन हमारा बनेगा फोर पाई एंड इंटीग्रेशन जीरो टू ए वाई इंटू ए अपॉन वाई एंड डी एक्स, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो एस इक्वल टू हो गया फोर पाई ए कॉमन निकाल लिया जीरो टू ए वन डी एक्स, वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो उसमें लिमिट ड्रा कर दी जाएगी, तो ये बनेगा फोर पाई ए इंटू एक्स, लिमिट पॉइंट है जीरो टू ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लिमिट ड्रा करने के बाद आ जाएगा फोर पाई ए इंटू ए यानी कि फोर पाई ए स्क्वायर। तो इसका जो सरफेस एरिया आ गया फोर पाई ए स्क्वायर, अगर रेडियस आर मानते तो फोर पाई आ स्क्वायर रहता। तो ये जनरल फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला का यहाँ पे इस मेथड से समाकलन विधि से, समाकलन के मेथड से क्या हुआ है, प्रूफिंग हो चुका है। अब इस पे अगर क्वेश्चन देता है तो भाई क्वेश्चन अगर शॉर्टकट फॉर्म में है तो भाई क्वेश्चन तो हम इस पर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले में रखने पे जल्दी आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखने पर जल्दी आ जाएगा। परंतु जो इसके अगली एक्सरसाइज है छिन्नक, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखने पे नहीं आता है, तो उसको हम करा दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में उनको करा देंगे, जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं आएंगे तो उनको हम सॉल्व करा देंगे, जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखने पे हो जाएंगे उसको भी सॉल्व करके बता दिया जाएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में डायरेक्ट ही काम होना है, तो कुछ कुछ पोर्शन है इसमें भी, कुछ क्वेश्चन होंगे, लगभग चार से पांच क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, और उसको जो है एक वीडियो में करा देंगे। उसके आगे जो है कटिंग वाला पार्ट है उसको बोलते हैं छिन्नक, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ द
फ्रस्टम ऑफ ए कोन एंड स्फेयर। फ्रस्टम को हिंदी में कहा जाता है छिन्ना, यानी कि काट के, बीच से कट करके जो पार्ट बनता है, तो उसके आर्टिकल्स पहले कराने पड़ेंगे, तभी जाके उस पर क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, तो अभी मतलब कुल मिला के 3 से 4 वीडियोस इसमें बनेंगी। एक वीडियो से ये मानिए इसका फॉर्मूलास हो गया, दूसरी में पहले वाले पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस एंड ये करा देते हैं, तीसरी में अगले छिन्न के आर्टिकल, चौथी में उसके क्वेश्चन, ओके हो जाएगा बस। चैप्टर 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा होंगी नहीं।